उसकी हमने लड़े और मैं जीता। लाइफ में पहुंचे भाई। फिर हमारे ग्रुप ने कहा कि नहीं अब नहीं, एक बार फिर नजर लो। तो फाइनली मीठी जल्दी था, लेकिन ऐसे फिर देखने को नहीं मिलेगा। जो होता था वो बहुत ही स्थायी नहीं होता था, तुरंत झगड़ा हो गया, तुरंत से दोस्ती हो गई, हम लोग अपनी चीज़ें शेयर किया करते थे, तो वो एक बड़ा ही मज़ेदार अनुभव रहता था। बिल्कुल, वो जो आपके बचपन का जो झगड़ा होता था वो कट्टी और दोस्ती वाला झगड़ा, कट्टी और दोस्ती वाला, ये बचपन में बहुत ज्यादा था। क्लास में बात नहीं हो रही किसी, मतलब कुछ ऐसा हो गया, जगह नहीं मिला बेंच पे बैठने के लिए, तो कट्टी हो गए भाई, बिल्कुल तुरंत दोस्ती हो गई। तो ये जो कहते हैं इनोसेंसी जो राइट, और हम लोग जाके ना जैसे पानी, जैसे जल्ला कहते हैं, जल्ला या फिर जो पानी जो पोखर होता है उसमें जाके हम लोग घुस घुस कर हम लोग वो भेंट का फूल होता था वो तोड़ते थे, या फिर फिशिंग कभी नहीं घुसा है। तो ये सब कुछ हम लोग बच्चे जाते पोखरे का पानी, ठहरा हुआ पानी होता है, उससे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा, हम लोग चट्टा गुजरात से जाने ही देंगे, लेकिन हम लोग सारा काम करते थे, मतलब उसके बाद फिर आपका जो लाइफ है धीरे धीरे बचपन जो है, तो टेंथ के बाद अमूमन जो है हम अपने करियर को एक शेप देने की कोशिश करने लगते हैं, तो टेंथ के बाद आपने क्या सोचा कि इंटरमीडिएट मुझे पावर लाल बत्ती, तो कहीं ना कहीं मेरे घर में शुरू से ही था कि ये आईएएस बनाएंगे, इसको ये आईएएस बनेगा, तो आईएएस 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 बचपन से 3-4 क्लास से ही वो मान में बात घुसा दी गई थी, तो समझ में उस समय ये चीजें आती नहीं थी उतनी, तो पढ़ाई में एवरेज था, खेलता कूदता था, और मेरी पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से, हिंदी माध्यम से हुई। तो उसके बाद जब मैट्रिक पास किया तो पापा बोले कि भाई तुम थोड़ा हिंदी सीखो, मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद जो हिंदी के कुछ ट्रांसलेशन अनुवाद की पुस्तकें आती हैं उसको ले लेकर मैंने अनुवाद बनाना शुरू किया, फिर कोशिश करते करते लिखना पढ़ना बोलना वो आना वो धीरे धीरे आया, और धीरे धीरे मैं हिंदी